उपभोक्ता, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोटस की हर्बल सेफ सनस्क्रीन। इसके लिए रिव्यू क्या है उसके लिए हम वीडियो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक ऑरेंज कलर की हमें ट्यूब मिलती है लोटस में। लोटस जो एक हर्बल कंपनी है, सेफ सन है, मतलब सनस्क्रीन है, सन ब्लॉक क्रीम है, ब्रिजी बेरी है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बाद स्वेट एंड वाटर प्रूफ है। इसे लगाने के बाद आपको स्वेटिंग से या फिर वाटर से किसी भी तरह से हटेगी नहीं और नॉन ग्रीसी है। इसका जो पीए लेवल है वो सिंगल प्लस है, यूवीए है, यूवीबी है। यूवीए का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अल्ट्रा वायलेट एजिंग, और यूवीबी का है अल्ट्रा वायलेट बर्निंग। एसपीएफ 20 है, यानी आपको 200 मिनट मतलब 3 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा तक प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद आपको इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा। ये सभी स्किन टाइप के लिए है, तो ये अच्छी चीज है इसमें। नेक्स्ट है कि ये इसकी जो एमआरपी है वो 165 रुपीज है और ये एसपीएफ 20 में है। और इसके अलावा इसमें लिखा है कि इसको आप अपने फेस और बॉडी पे बाहर जाने से 15 मिनट पहले लगा लें, जिससे अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। साथ ही इसमें लिखा है ये जो क्रीम है वो पानी से या फिर स्वेटिंग से नहीं धुलेगी, आपकी बॉडी पर लगी रहेगी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसे लगाने के बाद हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो ये सही है, लेकिन इसमें लाइट पैराबिन होता है जो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, बल्कि मोस्टली को पसंद ही नहीं होता है। हम जैसे इसे ओपन करते हैं, हम थोड़ी सी सनस्क्रीन हाथ पे ले लेते हैं। उसके बाद हमें इसे जस्ट टैप करना है। इसे नॉर्मल आपको एब्जॉर्ब नहीं कराना है तेज से, इसे नॉर्मली लगाना है, क्योंकि हमें जस्ट कवर करना है अपने स्किन को। हमें इस क्रीम को अपनी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना है, जस्ट कवर करवाना है, और उसके लिए हमें टैप करना पड़ेगा। अगर हम इसे रब करेंगे तो ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सनस्क्रीन जस्ट हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, हमारी स्किन के अंदर जाकर वो किसी तरह का फायदा नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने लगाया, ये लगाते ही हल्का सा टैप करने के बाद ही आपकी दिखनी बंद हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा चिपचिपी नहीं है, ग्रीसी नहीं है, तो ये बहुत सही बात है। मोस्टली जो सनस्क्रीन होती है वो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, इसी वजह से हम उनसे हेट करते हैं, बट दिस वन इज गुड, ये चिपचिपी नहीं है। अगर आपको ग्रीसी नहीं लेनी है तो ये वाली सनस्क्रीन अच्छी है, और ये ज्यादा एसपीएफ की भी नहीं है। अगर आपको 2 से 3 घंटे घर से बाहर निकलना है तो ये वाली क्रीम बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लोटस एसपीएफ 20 की सनस्क्रीन का रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अच्छा लगने पर इस वीडियो को लाइक तो बनता है, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।